हेलो गाइस, वेलकम टू इरिडिशन। आज तारीख है 27th ऑफ फेबररी और आज हम देखेंगे तारीख 26th ऑफ फेबररी का सारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स से भी कुछ अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो चलिए हम उनको देख लेते हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संप्रीति युद्ध एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच आयोजित होती है? तो आपके ऑप्शन है ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी रूस और डी फ्रांस। एंड द करेक्ट आंसर इज़ बी बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में ये एक्सरसाइज आयोजित होती है। इस साल 2 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में ये एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित होगी। ठीक है, और ये इस एक्सरसाइज का 8वां एडिशन होगा। ठीक है, 8th एडिशन होगा। और अल्टरनेटिवली एक बार ये भारत में होती है और एक बार ये बांग्लादेश में आयोजित की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, T20 क्रिकेट की किसी एक इनिंग में सर्वाधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड हाल ही में किस देश ने बनाया है? T20 की किसी एक इनिंग में सर्वाधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड हाल ही में किस देश ने बनाया है? आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी आयरलैंड, सी अफगानिस्तान और डी बांग्लादेश। एंड द करेक्ट आंसर इज सी अफगानिस्तान ने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो हाल ही में अफगानिस्तान ने आयरलैंड के सामने 278 रनों का लक्ष्य रखा पहली इनिंग में, यानी 120 गेंदों पे 278 रन अफगानिस्तान ने बनाए आयरलैंड के सामने। ठीक है, और इसमें भी एक और रिकॉर्ड, यही रिकॉर्ड नहीं बनाया उन्होंने जो कि हाईएस्ट फर्स्ट इनिंग टोटल है, एक और जो रिकॉर्ड बनाया वो ये, पहले विकेट के लिए ओपनिंग बल्लेबाज हजरत उल्लाह जजाई और उस्मान घनी ने 236 रन जोड़े, जो कि ओपनिंग पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 236 रन पे पहला विकेट गिरा था, इसके पहले ये रिकॉर्ड 223 रन का था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के नाम पे, लेकिन ये रिकॉर्ड भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। तो दो रिकॉर्ड बन गए यहाँ पर, हाईएस्ट एवर फर्स्ट इनिंग टोटल, हाईएस्ट फर्स्ट ओपनिंग पार्टनरशिप, इसके अलावा पिछले मैच में 4 गेंदों पर लगातार 4 विकेट लेने का रिकॉर्ड राशिद खान ने बनाया था। ठीक है, और ये सीरीज अफगानिस्तान ने 3-0 से जीत लिया आयरलैंड के खिलाफ। तो अफगानिस्तान की टीम काफ़ी अच्छा कर रही है, आने वाले समय में काफ़ी उभर के आएगी ये टीम। और इस सीरीज़ की खास बात यह है कि सीरीज़ भारत में खेली जा रही है, आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना किस राज्य में शुरू की गई? क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना किस राज्य में शुरू की गई? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ और डी बिहार। सही जवाब है बी मध्य प्रदेश में ये योजना शुरू की गई है मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा, जो कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, और क्या उद्देश्य है, क्यों ये योजना चलाई गई है, वो हम यहाँ देख लेते हैं। वह शहरी युवा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख से कम है, वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख से कम है एवं जिनकी आयु 21 से 30 वर्ष के बीच में है, उन्हें प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ जो नोटिस करनी है वो है शहरी युवा। ठीक है, अर्बन योजना है शहरी लोगों के लिए। ठीक है, 2 लाख से परिवार की आय कम होनी चाहिए, यानी गरीब परिवार का होना चाहिए। इसके अलावा 21 से 30 वर्ष की आयु उनकी होनी चाहिए, उनको 100 दिवस का रोजगार दिया जाएगा और 4,000 रुपये प्रति मंथ का स्टाइफंड उनको दिया जाएगा 100 दिन के कार्य के दौरान। ठीक है, मनरेगा के जैसी कुछ कुछ योजना है, बस ये अर्बन लोगों के लिए है और एज लिमिट है इसमें। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा नुई किस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सूची में शामिल हो गई हैं? ठीक है, इंदिरा नुई, तो ये क्वेश्चन को मैं यहाँ क्यों शामिल कर रहा हूँ कि इंदिरा नुई भारतीय मूल की हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन IMP हो जाता है हमारे लिए। तो किस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये शामिल हुई हैं? आपके ऑप्शन है ए पेप्सिको, बी एप्पल, सी गूगल और डी अमेजोन। ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज डी अमेजोन। ठीक है, इसमें इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये शामिल हो गई है। ठीक है, अमेजोन भी IMP है, हाल ही में दुनिया के अमेजन के जो मालिक थे वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे, बिल गेट से आगे निकल गए थे। इसके अलावा इसके जो मालिक हैं वो इस कारण से भी चर्चा में थे कि इनका डिवोर्स हुआ था और आज तक का वो दुनिया का सबसे महंगा डिवोर्स हुआ था, बहुत ज़्यादा उन्हें अमाउंट देना पड़ा था अपनी वाइफ को, तो इसलिए भी अमेजन चर्चा में है। तो 2-3 चीज़ें हुई हैं और इंदिरा नुई ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो क्वेश्चन ये IMP ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, और इंदिरा नुई इसके पहले पेप्सिको की CEO थी लगभग 12 साल के लिए, यानी कि 2006 से लेके
2018 तक ये पेप्सिको की सीईओ भी थी, ठीक है, तो इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन है गाइस, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने वाली एशियाई टीम कौन सी है? ठीक है, तो पहली बार किसी एशियाई टीम ने साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीती है, उस टीम का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी भारत, सी बांग्लादेश और डी श्रीलंका। भारत तो अभी ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है तो वो डेफिनेटली नहीं है, सो द करेक्ट आंसर इज डी, श्रीलंका ने अफ्रीका को टेस्ट सीरीज में हरा दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2018 का गांधी पीस प्राइज किन्हें दिया गया? 2018 का पूछा जा रहा है, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए एकल अभियान ट्रस्ट, बी है जापान्स योहेई ससाकावा, सी है विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी और डी है सुलभ इंटरनेशनल एंड अक्षय पात्र फाउंडेशन। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज बी जापान्स योहेई ससाकावा। ठीक है, तो इस साल 2015 से लेके 2018 तक के गांधी पीस प्राइज की घोषणा की गई, तो 2015, 2016, 2017 और 2018 के चारों प्राइज इस साल इकट्ठे दिए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिए हैं, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, तो जापान के योही ससकावा को 2018 के दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये जो तीन दिख रहे हैं, बाकी तीन अवार्ड यानी कि 2015, 2016 और 2017 के अवार्ड भी इनको ही दिए गए हैं। ठीक है, तो 2018 का ये वाला है तो ये ज़्यादा आईएमपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइजिंग इंडिया समिट कहाँ पर आयोजित हुआ? राइजिंग इंडिया समिट कहाँ पर आयोजित हुआ? आपके ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी जयपुर और डी उदयपुर, और सही जवाब है बी दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में आयोजित हुआ। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट का हिस्सा थे, तो इसलिए यह समिट आईएमपी हो जाता है। और मैंने आपको पहले ही बताया है, ज़्यादातर कॉन्फ्रेंस समिट वगैरह वगैरह दिल्ली में ही आयोजित होती है, मोर देन 70% दिल्ली में ही आयोजित होती है। तो किसी केस में अगर नहीं भी मालूम है तो आप दिल्ली पे गेसिंग लगा सकते हैं एग्ज़ाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी का क्या नाम है? कांस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी, तो ये क्या था? ये एक चेस कंपटीशन था, ठीक है, चेस कंपटीशन था, तो इसको जीतने वाले भारतीय, एक भारतीय खिलाड़ी ने इसको जीता है, तो आपको उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है ए विश्वनाथन आनंद, बी अभिजीत गुप्ता, सी सौम्य स्वामीनाथन और डी दिव्येंदु बरुआ। ये सौम्या है, ठीक है, सौम्या स्वामीनाथन और डी है दिव्येंदु बरुआ। एंड द करेक्ट आंसर इज बी अभिजीत गुप्ता। ओके, और ये कांस कहाँ है? कांस ये फ्रांस का एक शहर है जहाँ पे ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी चेस की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीपीआई में आई का क्या मतलब है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। तो पीपीआई में आई का क्या मतलब है? तो पहले हम पीपीआई का फुल फॉर्म देख लेते हैं। पीपीआई का फुल फॉर्म होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये जो हम अपने वॉलेट्स होते हैं, अमेजन वॉलेट, फ्रीचार्ज वॉलेट, पेटीएम वॉलेट, इनमें जो पैसा ऐड करते हैं उन्हें ही प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा था, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन ऐप्स में भी आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट थी वो थी फेबररी 2019 तक आपको इन ऐप्स में अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे। अगर वो अपलोड ना होते तो आप अपने वॉलेट में पैसा ऐड नहीं कर पाते, ठीक है। तो अभी उसकी लिमिट बढ़ा के आरबीआई ने 6 मंथ्स और लिमिट बढ़ा दी है, तो 6 मंथ्स का और समय दे दिया गया है इन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी इन डिजिटल वॉलेट्स को अपना केवाईसी काम ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो वहीं से ये नाम लिख भर के आता है, तो बहुत बहुत आईएमपी चीज़ है गाइस। पीपीआई का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है किसी भी बैंक के एग्जाम में। तो आई का क्या मतलब है? यहाँ पे आई का मतलब है इंस्ट्रूमेंट, सो द करेक्ट आंसर इज ए इंस्ट्रूमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने QRSAM नामक सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। QRSAM में क्यू का क्या मतलब है? QRSAM में क्यू का क्या मतलब है? क्यू का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो QRSAM का फुल फॉर्म होता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, तो ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें क्यू का मतलब क्या हुआ? क्यू का मतलब हुआ सी क्विक। ओके, तो ये मिसाइल है या आईएमपी इसलिए है क्योंकि ये मिसाइल आगे चल के आकाश मिसाइल को
रिप्लेस करने के लिए इस मिसाइल को बनाया गया। आकाश की टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है और ये QRSM जो है ये अपडेटेड टेक्नोलॉजी पे बनी हुई, तो आकाश को आगे चल के रिप्लेस कर देगी। और कहाँ पर हुआ, ये ओडिशा के तट पर ये परीक्षण किया गया है। ओके, और सफल परीक्षण किया गया है, तो पहले से चलता आ रहा है। पिछले साल यानी 2017 से ही इस मिसाइल पर काम चल रहा है, पहले से ही सफल परीक्षण किए जा रहे हैं और अभी फिर से एक सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वालिटी एक्रेडिटेशन एंड रैंकिंग अ साइलेंट रिवॉल्यूशन इन दी ऑफिंग इन इंडियन हायर एजुकेशन नामक बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये बुक का नाम है क्वाली एक्रेडिटेशन एंड रैंकिंग। ये बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई, और ये ऑफिंग लिखा, ऑफिंग का मतलब होता है समुद्री किनारा। समुद्री किनारा ऑफिंग का मतलब होता है, तो ये बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई। आपका ऑप्शन है ए वेंकैया नायडू, बी रामनाथ कोविंद, सी सुषमा स्वराज और डी प्रणब मुखर्जी। एंड द करेक्ट आंसर इज ए वेंकैया नायडू। वैसे तो ये क्वेश्चन इतना IMP नहीं है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का नाम जुड़ गया है इंडिया के, तो ये क्वेश्चन IMP हो जाता है। ठीक है, और ये बुक लिखी नहीं गई है, ये एक कलेक्शन है बहुत सारे एसेस का और बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन है, जिसको एडिट किया है डी चतुर्वेदी नाम के एक पर्सनैलिटी ने, इसको एडिट किया है। ओके, तो लिखी नहीं गई है, बहुत सारे एसेस और डॉक्यूमेंट्स और राइटिंग आर्टिकल्स का ये कलेक्शन है। वेंकैया नायडू ने इसको लॉन्च किया है, इसलिए IMP हमारे लिए हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के पहले Formula 1 रेसिंग ड्राइवर नारायण कार्तिकेयन के पिताजी को हाल ही में FMSCI के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, उनका नाम क्या है। तो नारायण कार्तिकेयन के पिताजी को FMSCI के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, उनका नाम क्या है। तो FMSCI का फुल फॉर्म हम पहले देख लेते हैं। FMSCI का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया। और ज़्यादातर किसी भी एब्रेविएशन में आपको पहले एफ दिखता है, तो उस मैक्सिमम उसका मीनिंग फेडरेशन ही होता है। जैसे फीफा हो गया, तो फीफा में भी एफ फेडरेशन होता है, तो जब भी पहले एफ दिखता है तो मैक्सिमम केसेस में एफ फेडरेशन ही होता है। तो इनके द्वारा नारायण कार्तिकेयन के पिताजी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। क्योंकि दिया गया, मोटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, उसके लिए उन्हें अवार्ड दिया गया। तो उनके पिता का नाम क्या है, आपके ऑप्शन है ए GR कार्तिकेयन, बी प्रणब कार्तिकेयन, सी है शंकर कार्तिकेयन और डी है R कार्तिकेयन। एंड द करेक्ट आंसर इज ए GR कार्तिकेयन, नारायण कार्तिकेयन के पिता है जिन्हें अवार्ड दिया गया। ओके, और नारायण कार्तिकेयन का नाम भी ध्यान रखिएगा, भारत के पहले Formula 1 रेसिंग ड्राइवर हैं। ओके ठीक है गाइस, तो आज के सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।